ये इंजन का पूरा कंप्लीट टाइमिंग फिटिंग करेंगे, हेड फिटिंग करेंगे, पूरा कंप्लीट दिखाएंगे कैसे फिट करते हैं। तो आप लोग पूरा देखो, अभी चालू करेंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। ये है टोयोटा हाइलॉक्स 2 टीयर इंजन, इसका हेड फिटिंग करना है, टाइमिंग फिटिंग करना है, कंप्लीट फिट करना है। अभी इसको हवा मार दिया, साफ़ करके पूरा एकदम फ्रेश कर दिया गया। अभी इसको गास्केट लगाएंगे, हेड गास्केट निकाल के लगा के हेड फिटिंग करेंगे। ये देखो नया गास्केट है, पूरा गास्केट सेट है ये। यह अभी चेक करें बराबर मार्क पे आ रहा है कि नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के हाथ से ऑयल लगाएंगे पूरा जगह पे, लगा के हेड गास्केट बैठा देंगे। ये 2 पिन आता है हेड लॉक करने के लिए, दोनों पिन डाल दिया गया। अभी ये हेड गास्केट बैठ गया, अभी हेड फिटिंग करना है। इसको टाइमिंग बराबर ऊपर ले लिया जाएगा। अभी इसका बैलेंसर टाइमिंग टॉप पे ले रहा हूँ घुमा के, बैलेंसर का टाइमिंग नहीं खुला गया, ये घुमा के टॉप पे लिया जा रहा है बराबर मार्किंग में। अभी बराबर आ गया है, अभी इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के हेड बैठाएंगे। आप लोग लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखना तो समझ में आएगा। अभी ऑयल लग गया, अभी हेड बैठा देंगे। ये हेड बैठ गया, अभी बोल्ट लगाएंगे इसको। अभी ये बोल्ट लगा देता हूँ, बोल्ट लगा के बोल्ट को टाइट करेंगे। कैसे फिट करते हैं पूरा कंप्लीट में बताएगा आपको, आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना तो कुछ सीखने को मिलेगा। एक बोल्ट के साथ एक वॉशर आता है, अभी टाइट करेंगे। सब बोल्ट लगा दिया हूँ, अभी इसको टाइट करना है। पहले टच किया जाएगा बोल्ट को, फिर बाद में फाइनल टाइट किया जाएगा। और टाइट करने का तरीका कैसे है मैं बताएगा। यह अभी इसको सुला दिया गया, अभी टाइट करेंगे ताकि वो हिले ना। पहले बीच वाले से टाइट करेंगे, एक एक करके, एक के बाद एक बीच में से जाएगा। मिडिल से टाइट करके जाएंगे, देखो तरीका कैसा है टाइट करने का, एक के बाद एक। साइड से टाइट करके नहीं आना है, बीच में से टाइट करके जाना है। ये देखो पहले बीच में से स्टार्ट करना है। ये फुल टाइट हो गया, अभी इसको कैमशाफ्ट डालेंगे। ऑयल डाला जा रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले रोकर बैठाएंगे, रोकर और कैप वाल का ये बैठा दे रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक है, इसमें एडजस्टिंग नहीं आता है।
ऑटोमेटिक ऑयल का प्रेशर से काम करता है, साउंड वाउंड कुछ नहीं रहता है। अभी ऑयल लगा के रोकर डालेंगे, रोकर डाल के कैमशाफ्ट फिट करेंगे। ये बैठा दे रहा हूँ रोकर। यह इंजन में ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम था, पूरा इंजन खोलने का वीडियो में अपलोड किया हूँ। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हो। और पूरा हाईलॉस कंप्लीट इंजन फिटिंग करने का मेरा प्लेलिस्ट पूरा है, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। ये देखो कैमशाफ्ट अभी लगा दिया गया, ये पोजीशन में बैठा रह दिया, अभी घुमा के दोनों बराबर है, ऑपोजिट ऑपोजिट होगा दोनों, सीधा सीधा नहीं होगा। अभी इसका कैप डालेंगे, कैप में नंबर रहता है 1 2 3 4, ऐसे नंबर देख देख के डालना पड़ेगा। एग्जॉस्ट और इंटेक रहता है, ये साइड इंटेक है, वो साइड एग्जॉस्ट है। तो जो इंटेक वाला कैप है उसमें आई लिखा रहता है, जो एग्जॉस्ट वाला कैप है उसमें ई लिखा रहता है। अभी इसका कैप बैठ गया है, पूरा बोल्ट लगा देंगे। अभी ये जो मेरा हाथ में है ये ऑयल फेंकने का काम करता है, ऑयल देता है, इसमें आके इसमें से आके ऑयल गिरता है ऊपर से कैमशाफ्ट में। अभी इसको टाइट कर देंगे, सबको बराबर टाइट कर दिया जाएगा। ये टाइट हो गया, अभी कैमशाफ्ट का टाइट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी टाइमिंग फिटिंग करेंगे, टाइमिंग चेन लगा दिया हूँ, अभी इसको मार्किंग पोजीशन में ले लेते हैं टाइमिंग चेन का।
अभी आउट हो गया, फिर से वापस करेंगे उसको। अभी वीडियो स्लो कर दिया गया ताकि आप लोगों को पता चले, समझ में आए कैसे टाइमिंग फिटिंग करते हैं। ये ऊपर का कैमशाफ्ट का चेन बैठ गया है बराबर मार्किंग में, अभी नीचे वाला बैठाएगा मैं लास्ट में पूरा कंप्लीट मार्क, कौन सा मार्क पोजीशन में बैठना है मैं दिखाएगा। अभी इसका चेन का किट डाल देता हूँ साइड वाला। ये भी बराबर लग गया, अभी इसको बोल्ट लगा देता हूँ। अभी ये सब टाइट कर देंगे। अभी ये टेंशन आ रहे हैं टाइमिंग चेन टेंशनर, इसको लगाएंगे। इसको लॉक करके लगा दिया हूँ, फिर लास्ट में मैं इसको टाइट करने के बाद लॉक निकालेगा। इसका दो बोल्ट आता है, ये टाइट कर दे रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट टाइट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अभी दिखाएगा मैं किधर कौन सा मार्किंग में कैसे बैठना है। ये देखो अभी पूरा दिखाएगा मैं, ये लॉक निकाल दिया, टेंशनर टाइट हो गया है। ये देखो एग्जस्ट कैमशाफ्ट का टाइमिंग पोजीशन। अभी ये इनटेक कैमशाफ्ट का टाइमिंग पोजीशन है, बराबर मार्किंग में आना है। और अभी दिखाएगा नीचे का क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग पोजीशन। ये उसमें देखो मार्किंग लगाएगा मैं, ये देखो ऐसे बराबर फिट होना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे वीडियो डालते रहता हूँ।